गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मॉर्निंग के 8 o'clock हो रहे हैं एंड मैंने सोचा कि आज मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो फटाफट से चाय बनाते हैं एंड उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा डे कैसे होता है। सो चाय बॉयल हो गई है, मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। सो माय मॉर्निंग स्टार्ट्स विद ड्रिंकिंग कोरिएंडर वाटर। तो मैं क्या करती हूँ रात को, आई जस्ट टेक अ ग्लास बॉटल एंड पुट सम वाटर एंड पुट 2 tablespoons ऑफ सिलेंट्रो सीड्स एंड आई जस्ट कीप इट ओवर नाइट। एंड मॉर्निंग में उठ के मैं सबसे पहले उसको बॉयल करती हूँ एंड जब पानी हाफ हो जाता है तो आई जस्ट ड्रेन इट एंड ड्रिंक इट इन द मॉर्निंग फर्स्ट थिंग। तो अब मेरी मॉर्निंग स्टैंड अप मीटिंग है। मॉर्निंग एवरी वन, हाउ इज़ एवरी वन डूइंग? ऑल राइट, तो मेरी मॉर्निंग स्टैंड अप मीटिंग हो चुकी है एंड अब मैं अपना बाकी का काम स्टार्ट करती हूँ ऑफिस का। बट उसके पहले मुझे आप सबको थैंक यू बोलना है। थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर सपोर्ट बिकॉज वी क्रॉस्ड 100 सब्सक्राइबर्स लास्ट वीक। तो थैंक्स एवरीवन। एंड ऑल्सो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। शाम के बज रहे हैं 6 एंड मैं रेडी हुई हूँ एंड मैं आपको दिखाती हूँ मैंने चाय चढ़ाई है गैस पे। तो हमारी चाय रेडी हो रही है, तब तक मैंने मंदिर में दिया जला दिया है। तो लास्ट टू लास्ट व्लॉग में हम लोगों ने दिखाया था कि ऑनियन और गार्लिक हमने प्लांट किए हैं तो वो ग्रो कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लुक एट दिस, गार्लिक्स बड़े हो गए हैं एंड ऑनियन भी बड़ा हो गया है। हेलो, और आगे? और आगे क्या बता, क्या अभी तक काम, अभी तक काम चल रहा है या कुछ दिन ऐसे ही चलता है? आज 12 घंटे काम चलेगा। क्यों? सुबह से सब फट रहा है। सब फट रहा है? हाँ। फटने का मतलब क्या होता है? फटने का मतलब होता है एरर्स आ रहे हैं एनवायरनमेंट में। ये जो भी आईटी वाले होंगे उन लोग को पता होगा फटने का मतलब क्या होता है। आज डे कौन सा है वैसे? आज ट्यूसडे। ऑल राइट, तो आप लोगों ने अभी देखा हम लोगों ने इवनिंग की चाय पी ली है एंड अब मैं रेडी हो गई हूँ। हम लोग थोड़ा वॉक करने जा रहे हैं घर के बाहर। ये गोल्फ बॉल है। एक्चुअली हमारे घर के जो पीछे गोल्फ कोर्स है वहाँ पे पता नहीं लोग कैसे गोल्फ खेलते कि यहाँ तक बॉल आ जाती है एंड हम लोग ये जो भी बॉल जाती है हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने
फेस भी कवर किया हुआ है, सिर भी कवर किया हुआ है एंड जैकेट पहनी हुई है, इवन दो बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। तो एंड प्लस मैं उप्स सैनिटाइजर लेके चल रही हूँ। एक्चुअली इतना अच्छा वेदर हो रहा है, ये वेदर घूमने जाने का होता है, माउंटेन्स पे जाओ, कहीं भी बाहर जाओ, बट अभी लॉकडाउन के वजह से तो जा नहीं सकते। तो हम लोग अपने फ्रंट गेट से निकल के यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ पे गोल्फ कोर्स है, सब लोग खेल रहे हैं। तो ये है वो गोल्फ कोर्स जो हमारे घर के बैकयार्ड से दिखता है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ पे डक्स होती हैं एंड देन ये छोटा सा पॉन्ड है, हम वहाँ तक जाएंगे अभी। एंड इसी जगह पे हमने अपना कुछ फ़ोटोज़ लिए थे प्री वेडिंग शूट के, तो काफ़ी अच्छा लोकेशन है। वॉक करके हम लोग घर आ गए हैं एंड मैं हैंड वॉश कर रही हूँ अच्छे से एंड उसके बाद चेंज करके वील मेक डिनर। के 7 बज रहे हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट कुकिंग माई डिनर एंड टुडे आई विल बी कुकिंग पनीर। तो ओके, तो मैंने डिनर के लिए प्लेटिंग कर दी है। ये भिंडी आलू फ्राई है विच वॉज लेफ्ट ओवर एंड देन ये मैंने अभी पनीर बनाई है एंड देन दीज आर चपातीस। तो अब हम लोग डिनर इन्जॉय करते हैं। ऑल राइट, तो हमारा डिनर तो बन गया है एंड अब हम लोग नेटफ्लिक्स पे कुछ तो ऑन करेंगे एंड वो देखते देखते डिनर करेंगे। तो ये था हमारा टिपिकल वीक डे जब हम लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं एंड शाम को उसके बाद मैं डिनर बनाती हूँ एंड देन हम लोग डिनर खाते हैं। तो या दैट इज़ इट, आई एम एंडिंग दिस व्लॉग नाउ एंड प्लीज़ 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।